अनुष्का शर्मा ने रबड़े बना दी जोड़ी से बॉलीवुड में धमाल मचा दिया था, लेकिन असली धमाका हुआ था बैंड बाजा बारात के साथ। रणवीर सिंह के साथ उनकी जोड़ी इतनी हिट हुई कि लोग ये सोचने लगे थे कि ये दोनों रियल लाइफ कपल हैं। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद रणवीर और दीपिका की नजदीकियां बढ़ी और फिर क्या था, बॉलीवुड में नया सीरियल शुरू हो गया। अनुष्का और दीपिका के बीच कोल्ड वार की खबरें तो आम हो गई थी, लेकिन अनुष्का ने इन सब पर मुहर लगाते हुए कहा था, मैं यहाँ सिर्फ काम करने आई हूँ, किसी से लड़ने नहीं। उन्होंने कहा था कि इंडस्ट्री में महिलाओं को अक्सर ऐसे झगड़ों में फंसाया जाता है। अनुष्का शर्मा ने आगे कहा था, मैं जो भी कर रही हूँ उससे मैं पूरी तरह खुश हूँ और वो भी अपनी जिंदगी से खुश रहेंगी। जो भी खबरें हमारे इर्द गिर्द चल रही है वो सारे की सारे बातें झूठी है। ये सब एक डोमिनोज इफेक्ट की तरह है, बस एक झूठी कहानी गढ़ने के लिए। मेरे बारे में जो गपशप हो रही है वो झूठी की पूरी सीरीज है। इसीलिए इस इंडस्ट्री में महिलाओं को जिस नजरिए से देखा जाता है वो बिल्कुल गलत है। आपको पता ही होगा, अनुष्का ने जब से भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली से शादी की और अपनी पहली बच्ची बामिका को जन्म दिया, तब से फिल्मों में उनका काम कम हो गया है। लेकिन इस साल फरवरी में उन्होंने और विराट ने अपनी खुशियों का एक नया अध्याय लिखा, जब उनके घर में उनके दूसरे बच्चे अकाय का स्वागत हुआ। आपको बता दें, 2017 में अनुष्का और विराट ने शादी की और इसके अगले ही साल 2018 में दीपिका पादुकोण और रणवीर भी शादी के बंधन में बंध गए। रणवीर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अनुष्का उनके शादी के रिसेप्शन में शामिल हुई थी और यह उनके लिए बहुत खास था। आखिरी बार अनुष्का और रणवीर के साथ में दिल धड़कने दो में फिल्म में काम किया था, जिसमें प्रियंका चोपड़ा, फरहान अख्तर, अनिल कपूर और सैफ अली शाह भी थे। ऐसी न्यूज से अपडेट रहने के लिए वही टॉक को सब्सक्राइब करें।